कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इज 0.18 जो भी दिया गया है. इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 13.6 देन इट्स डेंसिटी एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा. तो पहली बात तो डेंसिटी आपको पूछा गया है लेकिन दिया गया है आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो पहले हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो इक्वेशन है वो लगा लेते हैं. V इज इक्वल टू वी जीरो वन प्लस एल्फा डेल्टा टी. देखिए इस तरह की बहुत सारी आपको इक्वेशन मिलेगी. जब हम लोग ने रेजिस्टेंस पढ़ा था तो R इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस एल्फा डेल्टा टी है. जब हम लोग लेंथ पढ़ रहे थे तो L इज इक्वल टू एल जीरो वन प्लस एल्फा डेल्टा टी है. जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है उसके हिसाब से अल्फा की यूनिट चेंज होती रहती है. ठीक है तो अब V इज इक्वल टू वी जीरो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. मान लीजिए कि अब वॉल्यूम से हमें क्योंकि डेंसिटी में जाना है तो अगर हम सीधे यहाँ पे वैल्यूज रख लेंगे तो सही नहीं होगा क्योंकि V और V जीरो वॉल्यूम के हिसाब से है और वॉल्यूम से हमें डेंसिटी में जाना. बार बार मैं एक ही पॉइंट बोल रहा हूं. अब आप क्या करिए इसे वन अपॉन वी कर लीजिए. ये मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं. बाद में जो आ जाएगा वो भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड होता है. देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. अगर किसी चीज को जो यहां पे जैसे मरकरी है उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ले जा रहे हैं तो दोनों ही केसेस में आप कितना भी गर्म कर लें कुछ भी टेम्परेचर रहे चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केस हो चाहे 200 डिग्री सेंटीग्रेड का केस हो मास तो सेम रहेगा. वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है. वॉल्यूम कम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा कम हो सकती है. ठीक है तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं एम से मल्टीप्लाई करें. तो देखिए मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा. मास कांस्टेंट है क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया रो और ये हो गया एम बाई वी जीरो को मैं रो जीरो लिख रहा हूं और ये वन प्लस एल्फा डेल्टा टी होता. अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कहता है कि भाई अगर कोई चीज की पावर माइनस वन हो जा रही है आप इसको अगर ऊपर ले जा रहे हैं एल्फा डेल्टा टी तो पावर अगर माइनस वन होती है तो बहुत छोटा अगर वन प्लस एक्स है एंड एक्स इज वेरी स्मॉल तो ये माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है तो अब फाइनली आपका फॉर्मूला जो डिराइव होके आ गया वो ये है अल्फा डेल्टा टी. ठीक है तो बच्चे ये फॉर्मूला याद करते हैं लेकिन यहां पे पूछा गया है ये वाला फॉर्मूला तो ये भी आप याद कर लीजिए. ये भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बहुत कठिन नहीं है. बस अगर मैं सीधा इसके बाद ये फॉर्मूला लिख देता तो आपका सवाल ये होता कि सर जब यहां पे प्लस हो रहा है तो यहां पे माइनस क्यों आ रहा है. अब वो माइनस क्यों आ रहा है वो मैंने यहां पर लिखकर बता दिया है. अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. अब हमने यहां पर वैल्यूज रख दी. अपना रो जीरो हमें 13.6 दिया गया था मतलब इनिशियल डेंसिटी एट 0 डिग्री दी गई थी. वन तो वन ही है. यहां पे मैंने अल्फा को गामा से रिप्लेस कर दिया क्योंकि जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग अल्फा ना लेकर गामा करते हैं. अल्फा लीनियर में होता है और ये गामा आपको 0.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 दिया गया था. चेंज इन टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 200 और बस अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ये हो गया 13.6 इंटू 1 माइनस 36 इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 आ जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 3 है ही और 13.6 इंटू 1 माइनस दिस इज 36 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.036 तो इस तरह से रो अपना आ जाएगा 13.11 ग्राम पर सीसी विच इज ऑप्शन नंबर 1. तो एग्जाम में आपको कितना याद रखना था सिर्फ ये वाला फॉर्मूला.